कुछ दिन पहले हुए असमय बारिश से फसल को हुए नुकसान का मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर जिला भाजपा किसान मोर्चा ने एक दिवसीय धरना भिलाई 3 के सिरसा गेट में दिया। पूरे प्रदेश में जिस तरह से बरसात और ओलावृष्टि हुई है, किसानों की बहुत ही उनकी फसलें चौपट हुई हैं, चाहे वो रबी फसल धान की हो, गेहूं की हो, केला की हो, सब्जियों को। पूरे प्रदेश में किसान जो बरसात के कारण जो चौपट हुई उसको लेकर काफ़ी परेशान है। उन्हीं मुद्दों को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के तत्वाधान में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया कि प्रदेश के जिन किसानों का जो ओलावृष्टि के कारण उनकी फसलें चौपट हुई हैं, उनका सर्वेक्षण किया जाए और सर्वेक्षण करके उनको उचित मुआवजे दिया जाए। साथ ही प्रदेश की सरकार ने गंगा जल उठा करके कहा था कि हम किसानों के लिए उनके लिए विद्युत कनेक्शन देंगे स्थायी रूप से, लेकिन आज तक उन्होंने विद्युत कनेक्शन के नाम से बिल्कुल शून्य है। और इस बात को लेकर के प्रदेश के किसान काफ़ी आक्रोशित हैं और आने वाले 4 महीनों में भूपेश सरकार को पता चल जाएगा कि किसानों का आक्रोश और किसानों के प्रति उनकी धोइया जो नीति है उसका क्या परिणाम हुआ, ये उनको भोगने के लिए पड़ जाएगा। आज किसान मोर्चा द्वारा भाजपा ये आंदोलन किया गया था और काफ़ी बहुसंख्यक में आप देख रहे हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ पे आए हुए हैं और हर मोर्चा प्रकोष्ठ और भाजपा मेन बॉडी से काफ़ी संख्या में लोग हैं। और मतलब इस सरकार ने सबको छला है, सबको ठगा है। किसानों का नाम ले लेके पूरे भारतवर्ष में, पूरे दुनिया में ये लोग ये फैला रहे हैं कि हमने किसानों के लिए बहुत बड़ा कुछ काम कर दिया है, जबकि ऐसा हकीकत की ज़मीन पे, ज़मीनी तौर पे हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। 2500 रुपया धान खरीदी है, 2400 तो मोदी जी ही दे रहे हैं, सिर्फ 100 रुपया एक्स्ट्रा अपनी जेब से लगा रहे हैं, जो भी सही समय पे नहीं मिल रहा है। बारदाना के लिए पैसा नहीं है, हर एक चीज़ के लिए मोदी जी पैसा दे रहे हैं। तो इस तरीके से जो धोखे का आवरण इन्होंने बना के रखा हुआ है और लोगों को जो गलत भ्रांतियों में रखे हुए हैं, तो उसी को उजागर करने के लिए ये हल्ला बोल था, ताकि भूपेश सरकार तक हम अपनी ये आवाज़ पहुंचा सकें। और जो न्याय के नाम पे जो योजनाएं चला रहे हैं वो न्यायिक नहीं है, वो टोटली अन्याय है। आधी आबादी हमारी है, तो भूपेश जी ये चेत जाने का टाइम है। और महिला मोर्चा बहुत प्रखरता के साथ, बहुत मजबूती के साथ हल्ला बोलने वाली है। महिला मोर्चा से सावधान, आपको ठगा है। महिलाएं बहुत मासूम होती हैं, भोली भाली होती हैं, गंगा जल हाथ में लेके उन्होंने कसम खाई भूपेश सरकार ने कि हम शराबबंदी कर देंगे। शराबबंदी कर दिया यानी घर के पुरुष सुधर जाएंगे, घर गृहस्थी अच्छे से चलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हुआ टोटली उल्टा। तो महिलाओं ने बहुत महिलाओं को बहुत ठगा गया है। और जो आवास, महिलाओं के लिए आवास जो है बहुत बड़ी प्राथमिकता है, जो मोदी जी ने दिया लेकिन भूपेश सरकार ने वापस किया है ना, तो हर तरीके से महिलाओं को बहुत ज़्यादा ठगा और छला गया है। इसीलिए महिलाओं की ये उपस्थिति दर्ज करवा रही है और हम ये उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए आए हैं और बताने के लिए आए हैं कि महिला मोर्चा ने कमर कस ली है। भूपेश बघेल, मुर्दाबाद। भूपेश बघेल ने जिस प्रकार से किसानों के साथ धोखाधड़ी की है, उस बात को लेकर के आज किसानों के द्वारा यहाँ पर एक दिवसीय धरना दिया गया, 1-2 बजे से स्टार्ट होकर 5 बजे तक। इसमें हमने राज्यपाल के नाम से एक ज्ञापन दिया है कि किसानों को जो हैंडपंप मिलना चाहिए था, नलकूप मिलना चाहिए थे, वो नहीं मिले हैं। भाजपा सरकार में जितने मिले थे उसके बाद कोई नहीं दिए गए हैं, जबकि इनने वादा किया था कि हर किसान को हम 3 HP 5 HP के नलकूप देंगे और उसके हिसाब से सिंचाई की व्यवस्था होगी। किसान को इस मामले में ठगा उनके उनके द्वारा। इसके अलावा अच्छी खाद, अच्छे बीज की बात हुई थी, वो नहीं दी गई। वर्मी खाद के नाम पर मिट्टी दी जा रही है और किसानों को लगातार ठगा जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो किसान सम्मान निधि दी गई थी पूरे प्रदेश में देने के लिए, उसको भी इनके द्वारा रोक दिया गया है। और आज एक एकड़ में 20 क्विंटल धान खरीदी की बात कर रहे हैं, इसके पहले बात नहीं की गई। लगातार बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात की गई थी, आज 4.5 साल हो गए हैं, आज जाके बेरोजगारी भत्ते की बात कर रहे हैं, लेकिन 4.5 साल का जो एरियस देना चाहिए वो नहीं दे रहे हैं, जबकि एक एक बच्चे का कम से कम 1.25 लाख रुपये 4.5 साल का बनता है। इसके साथ साथ इनके द्वारा जो शराबबंदी की बात की गई थी, वो शराबबंदी भी नहीं की गई है।
और शराब की बिक्री डबल हो गई है। आज कोरोना काल में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने खुलेआम शराब बेची है, घर पहुंच सेवा चालू की है। तो इस तरह से सरकार के द्वारा लगातार जनता के साथ, किसानों के साथ छल किया जा रहा है और उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये आज आंदोलन किया गया है। आपको किसानों की जो खरीदी की बात है, धान खरीदी की बात जो करते हैं, उसका जो चावल बनता है उसमें 65 लाख टन चावल माननीय मोदी जी ने खरीदा है और धान खरीदी में जो 2500 की बात है उसमें 2000 रुपया धान खरीदी का, उस पर बोरा का पैसा, सिलाई का पैसा, धुलाई का पैसा, हमाली का पैसा, सारा का सारा केंद्र सरकार पेड करती है। इस सरकार के द्वारा उसमें कुछ पेड नहीं किया था, केवल ये सरकार श्रेय लेने का काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी इस मामले में खुल करके इनका इनकी सारी कलाई को खोल रही है और इनका विरोध करेगी। 2023 में भारतीय जनता पार्टी इनको निश्चित रूप से सत्ता से हटाएगी और कमल को खिलाएगी।